आज मुझे नहीं लगता हमारी नजरें सरकार की योजना इस राज्य का हर एक घर में पहुंच चुका है। आज इसी का तकलीफ है कि आज राजनीतिक रूप से ये सक नहीं रहे हैं, तो पर्दे के पीछे से सत्ता को हिलाने डुलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये सरकार कोई गाजर मूली नहीं है कि उखाड़ के फेंक दे, ये जनता जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। ये हेमंत सोरेन की सरकार है, कोई गाजर मूली नहीं है जो उसको उखाड़ दोगे। जो इसको उखाड़ने आएगा उसको हम लोग खुद उखाड़ देंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड जिसकी न राष्ट्रीय मीडिया में उतनी चर्चा होती है और न राष्ट्रीय राजनीति में उतनी चर्चा होती है। झारखंड यूँ तो साल 2000 में बिहार से अलग हुआ, क्षेत्रफल लगभग बिहार के बराबर, लेकिन आबादी बिहार की लगभग एक तिहाई, करीब 3.5 करोड़। लेकिन एक मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री, देश का एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री, निर्वाचित आदिवासी मुख्यमंत्री, जो गुजरात लॉबी के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप उस पर भाजपा लगा रही है, ईडी कई मामलों की जांच कर रहा है, सबूत कुछ नहीं मिले। पहले एक बार 2022 में 17 नवंबर को एक मामले में पूछताछ हुई, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। साहेबगंज जो ज़िला है संथाल परगना में झारखंड का, उसमें पत्थर खनन का घोटाला, ईडी ने कहा कि घोटाला हुआ है, 1250 करोड़ का घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उस मामले में पूछताछ हुई 17 नवंबर 2022 को। फिर उस मामले में दोबारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 14 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हेमंत सोरेन को समन मिला कि आप आइए 14 अगस्त को, एक राज्य के मुख्यमंत्री को जिसको 15 अगस्त को झंडा फहराना होता है, 14 अगस्त को तमाम कार्यक्रम होते हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन में प्रोग्राम रिकॉर्ड कराना होता है, 15 अगस्त की तैयारियों की बैठक करनी होती है। लेकिन उस दिन उसको समन मिलता है कि आप आइए हमारे यहाँ 14 अगस्त को पूछताछ के लिए हाजिर होइए। मामला क्या है कि मामला रांची का एक इलाका है, एक अंचल है बड़गाई, वहाँ ज़मीन घोटाले के सिलसिले में ईडी छापेमारी करती है और वहाँ के एक रेवेन्यू कर्मचारी राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के घर में कुछ दस्तावेज मिलते हैं और ईडी को लगता है कि उन मामलों में हेमंत सोरेन से पूछताछ की जानी है। वही हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन 14 अगस्त को नहीं जाते हैं। उनका कहना है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि वे केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समर्थन में नहीं है, दूसरे पक्ष में है, विपक्ष में है, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। हेमंत सोरेन 14 अगस्त को नहीं जाते हैं। 14 अगस्त 2023 से लेकर फिर उसके बाद लगातार एक के बाद एक 8 समन भेजे जाते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसके बाद वहां कहा जाता है कि आप हाई कोर्ट जाइए, फिर वो हाई कोर्ट जाते हैं, राहत उनको नहीं मिलती है, टेक्निकल ग्राउंड होते हैं। इस बीच ईडी लगातार समन पर समन भेजता जाता है। 7वें समन का जवाब मुख्यमंत्री ये देते हैं कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, आप मुझे जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, आदिवासी होने के नाते हमें टारगेट किया जा रहा है, विपक्षी होने के नाते हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ईडी उसके बाद फिर 8वां समन भेजता है। 7वें समन में ईडी यह कहता है कि आप बार बार हमारे समन की अवहेलना कर रहे हैं, कानून को धता बता रहे हैं, हमारे समन्स को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है, और आप ही बता दीजिए कि हम कब आएँ, कहाँ आएँ, किस जगह आएँ पूछताछ करने के लिए। हेमंत सोरेन इसके जवाब में फिर एक चिट्ठी भेज देते हैं कि आप मीडिया ट्रायल करा रहे हैं और तमाम तरह की बातें ईडी को लिखते हैं। और उसके बाद ईडी 8वां समन जारी करता है, कहता है कि आप नहीं आएंगे तो मजबूरन हमें आना पड़ेगा। ये एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री,
आदिवासी मुख्यमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री जहां की 26% जनता आदिवासी है, उस राज्य में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर 2023 को आते हैं, झारखंड के नायक भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में जाते हैं, खूंटी में सभा करते हैं और कहते हैं कि मेरा जन्म तो आदिवासियों की भलाई के लिए हुआ है, 27,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा करते हैं आदिवासियों के लिए, अगले दिन छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल सीटों पर चुनाव होना होता है, लेकिन झारखंड जो कि आदिवासियों की संख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, 29% आदिवासी छत्तीसगढ़ में हैं, 26% आदिवासी झारखंड में रहते हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री को समन पर समन भेजा जाता है, लेकिन ये आदिवासी डरता ही नहीं है। देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है दोस्तों जहां नेताओं को ईडी का समन मिले और उनकी आत्मा न कांप जाए, लेकिन ये किस मिट्टी से बना हुआ इंसान है, डरता नहीं है, कहता है कि ताबूत में आखिरी कील हम ही ठोकेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। कैसी मिट्टी से बना हुआ है ये मुख्यमंत्री। 7 घंटे तक आज फिर हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई, 1 बजे ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास गए थे और 8:30 बजे बाहर निकल आए। ईडी के अधिकारी बाहर निकले, करीब 50 सवाल उन्होंने पूछे, बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं, फिर प्रश्नों की सूची लेकर आएंगे, फिर कोई तारीख मांगेंगे, लेकिन यही इकलौता मुख्यमंत्री है जिसके आगे ईडी को झुकना पड़ा, ये कहना पड़ा कि आप ही जगह बताइए, आप ही समय बताइए, आप ही तारीख बताइए, हम आ जाते हैं आपसे पूछताछ करने के लिए। ये होती है ताकत, ये होती है इच्छा शक्ति कि अगर आपके खिलाफ कोई सबूत होते तो ईडी आपको गिरफ्तार कर लेता। मुख्यमंत्री कम से कम आधा दर्जन अवसरों पर सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है, अगर मैंने अपराध किया है, अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे पकड़ लो, मुझे जेल में डाल दो। लेकिन ईडी उनको जेल में नहीं डालती है, उनसे कहती है कि आप बताइए हम कहाँ आएं, कब आएं, किस दिन आएं, और फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बताते हैं कि आप 20 जनवरी को आइए। ईडी 20 जनवरी को आती है, 1 बजे मुख्यमंत्री आवास में दाखिल होती है, 8:30 बजे निकल जाती है और उसके बाद मुख्यमंत्री निकलते हैं अपने आवास से, कार्यकर्ताओं की भीड़ को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि जिस दिन से मेरी सरकार बनी है उस दिन से मुझे गिराने की साजिश हो रही है, मुझे जेल भेजने का षड्यंत्र हो रहा है, मैं कोई गाजर मूली नहीं हूँ, ये सरकार कोई गाजर मूली नहीं है जिसको कोई काट देगा, कोई उखाड़ देगा, अगर कोई ऐसी जुर्रत करेगा तो उसको हम ही उखाड़ देंगे, ये जो ऐसी जुर्रत करेगा, जो ऐसी साजिश करेगा, पर्दे के पीछे से जो लोग षड्यंत्र करेंगे उनको हम करारा जवाब देंगे, ये हेमंत सोरेन कह रहे हैं, सीना तान के कह रहे हैं, उस समय कह रहे हैं जब देश में कोई गुजरात लॉबी के खिलाफ, केंद्र की शक्तिशाली सत्ता के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों, झारखंड का इतिहास आपने अगर पढ़ा होगा तो देश में आज़ादी के पहले जितने विद्रोह हुए अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो, शोषण के खिलाफ हो, ये झारखंड में जितने विद्रोह हुए हैं उतने विद्रोह शायद ही भारतीय सरजमीन पर कहीं हुए हों, इतिहास में ये पढ़ाए नहीं जाते हों, लेकिन कम से कम 17 या 19 ऐसे विद्रोह हैं, चाहे वो संथाल विद्रोह हो जो 1857 की क्रांति के पहले सिद्धू कानू चांद भैरव और फूल झानो ने किया था, चाहे वो कोल्हान का हो विद्रोह हो, चाहे वो बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह हो, चाहे वो चुआड़ विद्रोह हो, कम से कम 1.5 दर्जन ऐसे विद्रोह हैं जो शासन के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, शोषण के खिलाफ झारखंड के आदिवासियों ने किए हैं। देश में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जहाँ इतने विद्रोह हुए हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, पूर्वोत्तर के राज्य हों,
या दूसरे कोई इलाके हों जहां आदिवासी रहते हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जितने आतुर रहे हैं, जितना प्रबल उन्होंने प्रतिरोध किया है, शायद ही उसकी कोई मिसाल इतिहास में मिलती हो। इतिहास में उनके कारनामे उतने प्रमुखता से दर्ज नहीं हुए हों, लेकिन ये है। उसी मिट्टी से उपजे हुए शिबू सोरेन के बेटे, जो झारखंड के नायक कहे जाते हैं, झारखंड अलग राज्य आंदोलन के प्रणेताओं में से एक हैं, हेमंत सोरेन, जो शिबू सोरेन के बेटे हैं, आज वो सीना तान के कह रहे हैं कि अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे गिरफ्तार कर लो बेशक, लेकिन अगर नहीं किया है तो मैं तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील ठोक दूंगा। ऐसा वही कह सकता है दोस्तों जिसके पास जिगर हो, जिसके पास समर्थन हो, जिसके पास ताकत हो, और जिसके पास ये कन्विक्शन हो कि मैंने अपराध नहीं किया है। अगर किया है तो पकड़ लो, रोका किसने है। तो आज जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई करीब 7 घंटे की, उसके बाद ईडी के अधिकारी चले गए हैं। संभावना है कि ईडी के अधिकारी दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए समय मांगेंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री जिसने ईडी को घुटनों पर ला दिया है, ईडी को उनसे समय मांगना पड़ता है कि आप बताइए कि कब हम आपसे पूछताछ करने आ जाएं। देश में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रेरणा लेकर अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव भी अब ईडी के समन पर नहीं जा रहे हैं, ईडी को खुला चैलेंज कर रहे हैं, गुजरात लॉबी को खुला चैलेंज कर रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या अगला कदम होता है, क्योंकि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना या उनकी सरकार गिरा देना भारतीय जनता पार्टी का मकसद कभी नहीं रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी या गुजरात लॉबी जिसको कहते हैं, वो अच्छी तरह जानती है कि चुनाव के इस मौसम में अगर हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आदिवासी गोलबंद हो जाएंगे अपनी पहचान को लेकर, अपनी अस्मिता को लेकर, और इसका नतीजा लोकसभा के चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। झारखंड में 11 सीटें बीजेपी के पास हैं और 12वीं सीट जो गिरिडीह की सीट है वो आजसू के पास है, जो भारतीय जनता पार्टी का घटक दल है। और भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि वे 14 में से 14 सीटें जीत लें, लेकिन हेमंत सोरेन को अगर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब आदिवासी हेमंत सोरेन के पीछे खड़े हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो मुस्लिम हैं या जो गैर भाजपा वोट है, अगर गोलबंद हो गए तो ये आंकड़ा बीजेपी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी को पिछले चुनाव में यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में 51% से ज़्यादा वोट हासिल हुए थे, और भाजपा कभी नहीं चाहेगी। और ख़ास करके वैसे समय में जब राम मंदिर को लेकर उसके पक्ष में काफ़ी अच्छा माहौल है, और आदिवासियों की बात करें झारखंड की, तो कन्वर्टेड जो आदिवासी हैं, जो ईसाई हो चुके हैं, उसके अलावा जो आदिवासी हैं वे सरना धर्म को तो मानते हैं लेकिन हिंदुओं के सभी त्यौहारों को भी मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू आस्थाओं के प्रति भी उनकी आस्था है। तो अगर ऐसे समय में अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है या उनको जेल भेजा जाता है तो आदिवासियों का यह बड़ा वर्ग जो कन्वर्ट नहीं हुआ है, जो सरना धर्म भी मानता है, हिंदू आस्थाओं में भी अपनी आस्था रखता है, वो कहीं हेमंत सोरेन के पीछे खड़ा हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कुर्मी जो कि आदिवासियों के बाद सबसे बड़ा समुदाय है, वो वैसे भी एसटी दर्जा नहीं देने को लेकर भाजपा से नाराज चल रहा है। तो ऐसे में भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि उसको सीटों का नुकसान हो, क्योंकि बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में ऐसे भी इसकी स्थिति, जो झारखंड के सीमावर्ती इलाके हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो हेमंत सोरेन ऐसे ही चैलेंज नहीं कर रहे हैं बीजेपी को, और बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि हेमंत सोरेन को जेल नहीं भेजा जाए, बल्कि उनको इस तरह से दबाव में लाया जाए कि वे INDIA के फोल्डर से बाहर आ जाएं, कांग्रेस का साथ छोड़ दें। और वैसे भी जो स्थिति बन रही है, वाम दलों ने दावा कर दिया है, हजारीबाग सीट पर CPI का दावा है, माले कह रहा है कि समझौता हो या ना हो सीटों का, हम कोडरमा सीट लेकर रहेंगे। आज की खबर है कि राजद ने 4 सीटों पर दावा ठोक दिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर कोई तालमेल न बने और आखिर में स्थिति ये पैदा की जाए कि हेमंत सोरेन यह कह दें
कि जिसको जहां से लड़ना है वहां से लड़े, और हमने भी सभी 14 सीटों पर तैयारी करके रखी है और सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी तरह हेमंत सोरेन को INDIA के फोल्डर से बाहर लाया जाए, ताकि मुकाबले को त्रिकोणीय और ज़्यादातर सीटों पर चतुष्कोणीय बनाया जाए, ताकि उसके उम्मीदवारों को फ़ायदा हो और झारखंड के में 12 से ज़्यादा सीटें, 13 या 14 सीटें उसको मिल पाएँ। लेकिन हेमंत सोरेन झुकने को तैयार नहीं हैं। आज उन्होंने ED की पूछताछ के बाद अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम डरेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। क्या भारत के दूसरे विपक्षी नेता भी हेमंत सोरेन से सबक लेंगे? क्या डरेंगे नहीं? अगर गलत नहीं किया है, अगर चोरी नहीं की है, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किया है तो फिर ED अपना काम करेगा, कानूनी एजेंसियां अपना काम करेंगी, और उसके बाद जिन्होंने गलत किया है उनको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन 8-8 समन के बावजूद अगर ED के पास हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के लायक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और 2 बार पूछताछ के बाद ED के अधिकारी चले जाते हैं, और हेमंत सोरेन फिर उसी उत्साह और उसी जोश के साथ गरजते हैं कि मैं डरेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, तो बात में दम तो लगता है। तो दोस्तों, आपका क्या इस बारे में सोचना है? क्या हेमंत सोरेन दोषी हैं, या उनको NDA के फोल्डर में लाने की कोशिश हो रही है? क्या उनको कांग्रेस से अलग करने की कोशिश हो रही है? आखिर क्या हो रहा है, इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।